हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में फॉक्सटेल का रेटिनॉल नाइट सीरम, इसका रिव्यू करने वाली हूँ। आपको बताने वाली हूँ कि इसको आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं। रेटिनॉल मेरे स्किन पर बहुत अच्छे से काम करता है। रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, ये इंग्रेडिएंट्स के मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और मैं काफ़ी लंबे टाइम से इनको यूज़ कर रही हूँ। पर मैंने हमेशा क्रीम्स और जेल्स यूज़ की हैं। फर्स्ट टाइम मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। रेटिनॉल की बात करूँ, ट्रेटिनॉइन दोनों ही विटामिन ए का फॉर्म होते हैं और ट्रेटिनॉइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, रेटिनॉल माइल्ड होता है। ट्रेटिनॉइन सिंथेटिक फॉर्म होता है, बाकी दोनों ही विटामिन ए का फॉर्म होते हैं। एजिंग की प्रॉब्लम्स जैसे फाइन लाइंस, रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में ये काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो इसमें यूज़ किया गया है 0.15% एंड कैप्सुलेटेड फॉर्म में रेटिनॉल यूज़ किया गया है, जो कि स्किन पर डीपली पेनिट्रेट होके स्किन से जो भी एजिंग की प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बीटेन और कोकुम बटर यूज़ किया गया है, जो कि इस सीरम को सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, फास्टर रिजल्ट देने में हेल्प करता है। इसको अंदर से ओपन करके देखें तो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, जो कि नॉर्मल सीरम आते हैं वैसा सीरम की पैकेजिंग में नहीं आता है। काफ़ी अच्छी सी ऐसी पैकेजिंग है और इसकी कंसिस्टेंसी क्रीमी जेल कंसिस्टेंसी है, जो कि बहुत अच्छे से स्किन पर पेनिट्रेट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल स्टिकी नहीं है। नॉन ऑयली है, लाइट वेटेड है, फ्रेग्रेंस फ्री है, वीगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पैराबेन सल्फेट जैसी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की गई हैं। इस सीरम को लगाने का तरीका यह है कि आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इसके 2 से 3 पंप लेके अपने स्किन पे अच्छे से लगा लीजिए। ये नाइट सीरम है तो इसको नाइट में ही यूज़ करना है। तो आप अपने फेस पे अच्छे से इसको लगा लीजिए। इसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोकुम बटर भी यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हैं, पर मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना भी पसंद करती हूँ। और रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं तो दिन में सनस्क्रीन लगाना ही है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो सच में आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए रेटिनॉल ट्रेटिनॉइन के साथ आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। बात और आपको ध्यान रखना है, जब आप इस सीरम को यूज़ करते हैं तो इस सीरम को एवरीडे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये रेटिनॉल है, स्किन पे टाइम लगता है एडजस्ट होने में। इसलिए आप स्टार्टिंग में इसको वीक में 2 बार लगाइए, जब ये आपकी स्किन पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए तब आप अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप इसको एवरीडे भी यूज़ कर सकते हैं। पर स्टार्टिंग में आपको इसको वीक में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है। मैं इस सीरम को 10-12 दिनों से यूज़ कर रही हूँ। पहले भी मैं क्रीम्स और ट्रेटिनॉइन क्रीम्स और जेल्स यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं इसको एवरीडे ही यूज़ कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्किन पे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। पर अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसको ऑल्टरनेट डेज पे ही या 2 दिन वीक में यूज़ करना है। तो मैं जब इसको 10-12 दिनों तक रेगुलर यूज़ किया तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन मुझे कोई भी डिफरेंस मेरी स्किन पर नज़र नहीं आया कोई चमत्कार हो रहे हो या कुछ हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 4-5 दिन तक। पर अच्छी बात ये थी कि मेरी स्किन पे पर्जिंग भी नहीं हुई, कोई ड्राइनेस वगैरह भी नहीं हुई, मतलब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुए, जो कि जब आप क्रीम्स लगाते हो ना तो 4-5 दिन में ही आपको पर्जिंग या ड्राइनेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, पर इसको लगाने पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब 10 दिनों तक मैंने इसको रेगुलर लगाया तो 10-12 दिनों बाद मुझे मेरी स्किन पे स्लाइट डिफरेंस नज़र आया, मतलब थोड़ी अच्छी लगने लगी, थोड़ी ग्लोइंग लगने लगी, फर्म लगने लगी। बाकी बहुत ज़्यादा तो कुछ मेरी स्किन पे 10-12 दिनों में इस सीरम ने काम नहीं किया, जबकि जब मैं क्रीम्स यूज़ करती हूँ तो 10-12 दिनों में मुझे काफ़ी डिफरेंस नज़र आने लगते हैं, मतलब मुझे 2-3 दिन में ही ड्राइनेस हो जाती है या फिर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि इस सीरम के को लगाने के बाद मुझे नहीं मिले। तो जब मैंने इस सीरम को यूज़ किया तो मुझे एक बात जो मुझे समझ आई वो ये कि ये सीरम उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने कभी रेटिनॉल यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज़ करना चाहते हैं, कोई सेफ चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं।
इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, और जब आप इसको लंबे टाइम तक यूज करोगे तो इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसके रिजल्ट्स आपको थोड़ा सा स्लो मिलते हैं, पर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। पर जो लोग क्रीम्स वगैरह यूज कर चुके हैं ना, उनको वो जब ये सीरम यूज करेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये सीरम तो काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि क्रीम्स जेल्स ज्यादा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आती हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी फास्ट मिलते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं अगर आपने ढंग से नहीं लगाया तो, पर रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ये जो सीरम है ये अच्छा है, रिजल्ट्स स्लो मिलेंगे पर साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मुझे इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं हुए। बस वही मैं जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्रीम्स वगैरह यूज कर चुकी हूँ, जेल्स यूज कर चुकी हूँ, जिनके रिजल्ट्स मुझे ज्यादा अच्छे मिले, इसलिए मुझे इसके रिजल्ट्स थोड़े कम नजर आए। अदरवाइज ये काफी सेफ है और काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने स्किन पे रेटिनॉल स्टार्ट करना चाहते हो तो। बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हो तो मैं कहूंगी क्रीम्स या जेल जो यूज करते हैं उसको छोड़ के आप ये यूज करो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप क्रीम्स जेल्स वगैरह लंबे टाइम से यूज कर रहे हो फिर आप इस प्रोडक्ट पे स्विच करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट वेस्ट लगेगा, आपको लगेगा ये कुछ काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल रेटिनॉल ट्राई करना चाहते हो, कभी यूज नहीं किया है, क्योंकि रेटिनॉल के काफी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और एक एज पे मतलब 25 प्लस के बाद आपको बिल्कुल अपने स्किन पे रेटिनॉल जैसी चीजें इंक्लूड करना चाहिए जिनके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।